बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो मेरे छोटे जो उनसे चूज़े हैं वो 5 दिन के हो गए हैं, तो आज हम उनको 5 दिन के चूज़ों को क्या दे रहे हैं आपको दिखाते हैं। ये मेरे पास पालक की डंडियाँ हैं, ये गंदुम है, ये चावल है, थोड़े 25% उबले हुए हैं चावल, ये बाजरा है, इसके अलावा ये धनिए की डंडियाँ हैं, ये छोटा सा एक खरबूजा था ये डाला इनको, ये टमाटर है और ये एक पंजा इनको डाला, मैंने अच्छे से क्रश कर लिया, ये डाला है। और साथ में ये जो घर की यूज़ हुई पत्ती है ना वो है, और इसमें थोड़ी सी चाय है, सिंपल चाय। तो ये आप उनको दें, उनको पानी नहीं देना आपने बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि छोटे चूज़े होते हैं वो पानी बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, और जो पानी जो उनसे है तो इनके लिए बहुत ज़्यादा मकदार में अच्छा नहीं है। तो ये हमने इनके लिए लूसन काटा है, ये इन्होंने इनको आज यही हमने मील देना है तकरीबन 6-7 घंटों तक। ये देखें ये चूज़े मील खाएंगे तो जल्दी बड़े हो जाएंगे, सेहतमंद होंगे, छोटे छोटे हैं तो इनकी बीमारियों से इन्हें बचाना सबसे अहम काम है, क्योंकि अगर बीमार हो गए तो फिर हमारा नुकसान हो सकता है। इसमें चाय की पत्ती है, थोड़ी चाय है, यही है जिन्होंने पीना है पानी, और जब आप हाफ मील ख़त्म कर लेंगे तो फिर इनको हम पानी देंगे, और इसको पानी में भी ORS शामिल करेंगे, और एक ड्रॉप डालेंगे हम उसमें शरबत पुदीना की, और एक ड्रॉप डालेंगे बुखार का सिरप। तो ये 10 चूज़े हैं इस मुर्गी के साथ, इसमें से 3 इसके अपने नहीं हैं, ये इसने एक्सेप्ट किए हैं चूज़े, ये वाला इसने एक्सेप्ट किया, इसका चूज़ा नहीं है, और ये इसमें ये भी इसने एक्सेप्ट किया, ये भी चूज़ा इसका नहीं है, ये हमने बाहर से लिए थे, और एक ये वाला ये ब्लैक चूज़ा, ये भी इसका नहीं है। ये 3 चूज़े जो बड़े हैं ना ये इसके नहीं हैं, बाकी ये 5 दिन के चूज़े हमारे हो चुके हैं। तो ये बहुत छोटे अंडे थे जो मैंने इसके नीचे रखे थे, मुझे ज़रा उम्मीद नहीं थी कि ये चूज़े उनसे बनेंगे, बहुत छोटे अंडे थे, बस कोयल के अंडों के बराबर ही अंडे थे तकरीबन, मुर्गी के थे ये अंडे, साइज़ में बहुत छोटे थे। ये देखें ये हमारा 5 दिन का चूज़ा है, और ये जब ये पैदा हुआ था तब तो इसका साइज़ बहुत छोटा था, माशाल्लाह है वैसे प्यारा है। ये अब हम इसे उठा लेंगे, हमने पी लिया तकरीबन सब ने पानी, बाकी अब इनको ठहर के देंगे थोड़ी देर, रुकने के बाद हम इन्हें क्रीम खाने देंगे इनकी। तो इसमें गंदम भी है, चावल भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन के लिए हम इनको पंजे डालते हैं बॉईल करके। चावलों को आपने स्टार्च के साथ नहीं देना, ये जो स्टार्च है ये इनके लिए सही नहीं है, उनको थोड़ा सा बॉयल करना है फिर उस पानी को गिरा देना, तो वो जो चिपचिपा सा होता है चावलों के अंदर वो नहीं इनको डालना है। सबसे छोटे वाला चावल लिया मैंने, एक और दूसरा डाला इनको, इसके इसके सीड भी हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा सा क्रश की है, बाकी वो सही है, बस उनको काटा है इस साइज़ में, काटें आपके आपके जो चूज़े हैं वो उनको इस पोर्शन को ले सकें, बड़े बड़े पत्ते और इस तरह की चीज़ें वो नहीं खा पाते ना। गंदुम भी क्रश करके डालें, साथ में इनको ये लूसन डालें थोड़ा सा, ये भी इनकी इनके लिए अच्छा होता है। ये 3 चूज़र्स ने एक्सेप्ट किए हैं, यानी कि स्टेप मदर है उनकी, बाकी 7 चूज़र्स के अपने हैं, टोटल ये 10 हैं। एक नई वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा।